नववर्ष पर श्री राम व भारत माता की जयकारों से गूंजा जीवाणा। जीवाणा में हिंदू नववर्ष पर विशाल वाहन रैली का हुआ आयोजन। सायला उपखंड के जीवाणा उप तहसील मुख्यालय पर शनिवार को विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा व हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली को लेकर सवेरे से ही क्षेत्र भर से हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के जीवाणा के मां बायोसा माता मंदिर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रातः 11 बजे तक बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थल पर जमा हो गए थे, जहां पर प्रहलाद गर्ग ने सभा को संबोधित किया, जिसमें नववर्ष के बारे में जानकारी दी। इसके बाद रैली को रवाना किया, जो जीवाणा कस्बे के जैन मंदिर, आम चौटा, गोलियावास, सोनी बाजार होते हुए मुख्य चौराहे से होते हुए बावतरा तालियाना तिराहे से वापस मुख्य चौराहे होते हुए पुनः माँ बायोसा मंदिर जाकर रैली संपन्न हुई। रैली में युवा राष्ट्रवादी व हिंदूवादी गीतों की सुमधुर स्वर लहरियों पर झूमते हुए भारत माता व भगवान श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। इनके पीछे केसरिया ध्वजाओं से सुसज्जित दुपहिया व चौपहिया वाहन चल रहे थे। इस दौरान रैली को देखने के लिए ग्रामीण आसपास की दुकानों और घरों की छतों पर चढ़ गए। रैली की एक झलक पाने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। रैली में बावतरा, तालियाना, सांगाना, आलवाड़ा, सिराना सहित गांवों ने भाग लिया। एक क्षण भी अपने जीवन का विचार किए बिना उस सीमा पर चिंता करेंगे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित चाहिए, और देश के लोगों ने किया है। संघ की शाखा में एक घंटे कबड्डी खेलने वाले स्वयंसेवकों ने एक गजब का उदाहरण दिया है। 1971 में, 1965 में, 1962 में जब युद्ध हुए, उन युद्धों में भारतीय सेना को संघ के स्वयंसेवकों ने उस घटों में हिमालय की तराई में जहां अपने देश के सैनिक लड़ रहे थे, उसमें कुछ घोड़ा बारूद नीचे चला गया। उस नीचे जब इतना चला गया कि वहां से कोई व्यक्ति नीचे जाना भी बहुत मुश्किल था, तो संघ के स्वयंसेवकों ने रस्से बांध करके उन घोड़ा बारूद को लाए। सैनिकों ने कहा कि थोड़ा बहुत भी अगर यह कहीं टच होता है, स्पर्श हो गया, विस्फोट हो जाएगा। उन्होंने कहा विस्फोट होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आज आवश्यकता है बॉर्डर पर हमारे सैनिकों को घोड़ा बारूद की आवश्यकता है, तुरंत पहुंचाना है, हम पहुंचाएंगे। संघ के स्वयंसेवकों ने रस्से बांध करके उस घोड़ा बारूद का उपयोग किया और उसके कारण उद्घोष करेगा भारत माता की जय। और जिस दिन भारत माता की जय का उद्घोष जयकारा पूरे देश में एक साथ लग गया, उस दिन विश्व समुदाय वह भी कहेगा भारत माता की जय। भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष है, वह अमेरिका के राष्ट्रपति उस हवाई अड्डे पर भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए वहां जाते हैं। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। संघ की शाखा में कबड्डी करने वाला एक स्वयंसेवक उस देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठ गया, और वह व्यक्ति उस दूसरे देश की यात्रा पे जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष उनकी अगवानी करने के लिए